वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखा है उससे ही आप अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक पूरा नहीं देखोगे, जब तक आपके ना तो समझ में आएगा, नहीं आप किसी को समझा पाओगे। क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इस बेल आइकन है उससे जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप कभी भी पुलिस से नहीं डरोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप इस वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो आप अपने अपने रास्ते जा रहे हो, आप अपने किस काम के लिए जा रहे हो, अगर पुलिस आपको परेशान करती है तो आप क्या करोगे? बिना वजह पुलिस परेशान करती है। लेकिन मैंने आज दिन तक कोई भी व्यक्ति अगर अपने रास्ते पे जाता है, अपना काम से काम रखता है, तो कोई भी व्यक्ति उसको परेशान नहीं करता, ना ही पुलिस उसे परेशान करती। लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसे शांति भंग या उपद्रव पैदा करते हैं या किसी को उकसाते हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस आपको परेशान कर सकती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मान लो आप किसी काम के लिए किसी शहर जा रहे हो, वहां अगर आप अपनी साइड में जा रहे हो, अपने काम से काम जा रहे हो, अगर उस के दौरान आप कुछ गलतियां करते हो तो पुलिस आपको परेशान कर सकती है, पुलिस आपसे को पकड़ सकती है। लेकिन आप अगर कुछ इस प्रकार के गलतियां नहीं करोगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस आपसे का कुछ नहीं कर सकती। अगर इस प्रकार आप कुछ नहीं करने पर भी पुलिस आपको परेशान करे तो आप इसका क्या समाधान कर सकते हो, आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हो, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर पुलिस इस प्रकार आप अपने रास्ते बिना कारण आपको परेशान करती है, आपसे चौत वसूली करती है, आपके खिलाफ झूठा आरोप लगाती है, तो आप उनके खिलाफ संबंधित थाना अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र दे सकते हो, जो भी आपको परेशान करे। अगर संबंधित थाना अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो आप जो डिप्टी है उनका सेक्टर का, उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद भी आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप एसपी को खुद उपस्थित होकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, आप देने के बाद सारी चीजें, एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप ईमेल या खुद उपस्थित होकर, जो इनका सुप्रिंटेंडेंट महानिदेशक पुलिस डीजीपी है, उनके पास भी आप उपस्थित हो सकते हो, उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हो। इसके बाद अगर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आप वकील के माध्यम से कोर्ट में आप उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सुप्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि सबके कानून बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कानून नहीं बने तो वो व्यक्ति किसी की नहीं माने। हर व्यक्ति के पावर्स हैं, लेकिन उनके पीछे भी कानून है। इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि अगर आप कुछ गलती नहीं करोगे, आप कुछ करते नहीं करोगे, तो आपको पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ना ही पुलिस आपको परेशान कर सकती। पुलिस में भी मानवता है, ये आप जानते हो, क्योंकि पुलिस किसी को गिरफ्तार तभी करेगी जब उनके खिलाफ कोई परिवाद लेके आता है या उनके खिलाफ कुछ एप्लीकेशन देता है कि इन व्यक्ति ने ये किया। इसलिए दोस्तों, आप मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम से काम रखता है, अपने जो भी काम है, मजदूरी है, वो करता है, उसमें कोई भी अड़चन पैदा नहीं करता जब तक आप कुछ नहीं करो। इसलिए कभी भी पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। आप कभी भी सिटी जाए तो आपकी अपनी साइड में जाए, हेलमेट लगाइए, कानून का पालन करें। अगर कानून का पालन करते हुए भी आपको पुलिस परेशान करती है तो मैंने जो बताया उस आप उनके खिलाफ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।